हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। मैं प्रीसा आपका स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉगिंग चैनल में, ब्लॉग में। सो मैं अभी आई हूँ छत पे लौकी तोड़ने, तो लौकी यहाँ पे है, आके तोड़ती हूँ। यह चिमनी से धुआं निकल रहा है, मोबाइल में ऐसे कर ली हूँ ताकि कोई शक न करे कि क्या कर रही है प्रीसा। तो लौकी तो बहुत सारी हुई है, मैं तो पहले ही आप लोग को दिखा चुकी हूँ। तो एक लौकी तोड़ूंगी यहाँ से, बहुत सारी लौकी सूख ही जा रही है, पता नहीं क्यों, लेकिन सूख ही जा रही है। सूखी जा रही है शायद इसलिए कि ठंडी लोग को पाला लग गया आई थिंक। तो यहाँ पे गन्ना चूस के सब रोक रखे हैं, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही, बहुत 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 गलन बढ़ने वाली है लग रहा है। और हम नीचे आ गए हैं लौकी की तोड़ के। ये है लौकी, बहुत लोग घिया बोलते हैं घी। सो गाइस, यहाँ पे मेरी लौकी की सब्जी रेडी है, कलर एकदम मतलब ब्यूटीफुल है। अभी इसमें धनिया की पत्ती डालनी है और इसे थोड़ा सा और सूखा करना है, थोड़ी सी भी गीली है तो लौकी की सब्जी एकदम धीमी आंच पर बनानी पड़ती है क्योंकि इसमें पानी नहीं पड़ता है। और मैंने आलू भी मिक्स किया तो और ज्यादा धीमी आंच पर ही पकाने हैं, इसे पकने देते हैं। और आटा उटा गूंथ कर रख दिया गया, आटा गूंथ कर रखे सब्जी हो जाएगी। लाइट आ गई है तो इंडक्शन पर डालेंगे अभी चावल, अभी नहीं डाल रही हूँ तो, लेकिन अब डालना पड़ेगा। चलिए रोटी वोटी बना लेती हूँ, तब देखते हैं। सो जब तक मेरी सब्जी हो रही तब तक मैं अपना ये सारा काम थोड़ा सा फिनिश कर लेती हूँ। किचन को थोड़ा सा सेट कर लो तो फिर उसके बाद बाकी का काम करेंगे। सो गाइस, अभी जस्ट मेरा सारा काम फिनिश हुआ है, 10:30 हो रहे हैं। और इधर मैं झाड़ू मार रही हूँ और किचन मतलब खाना पीना सब कुछ बन गया है। किचन देख सकते हैं आप, एकदम परफेक्ट हो गया है, बाद में तो सब कुछ धुल दिया गया है। तो मैं किचन में झाड़ू मार के उसके बाद किचन में मारूंगी पोछा। और इधर आप बाहर का माहौल देख सकते हैं कुछ इस तरीके से है, तब हरा भरा सूर्य भगवान निकले हुए हैं। थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सी ठंड है, ठंड इसलिए कि हवा चल रही है, आप देख सकते हैं पर्दा उड़ रहा है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो मैंने यहाँ पे स्वेटर पहना है, मेरे अंदर की एक कुर्ती क्या है नेकलेस जैसे, और यहाँ पे है मेरी शॉल और मैं इसे शॉल लिए रहती हूँ। और सो अभी रात का टाइम है और यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं मिठाई, आप देख सकते हैं मिठाई भी रेडी होने में थोड़ा सा टाइम है। और अभी मुझे गूंथना है आटा, रात के बज रहे हैं 6:30 या 7 के आसपास हो रहे हैं। अभी क्लियर टाइम बताते हैं कितने हो रहे, 7:15 हो रहा है, यही टाइम हो रही है। तो यहाँ है आटा गूंथना है और ये डिब्बा यहाँ पे है, यहाँ पे सेट करेंगे। आज कोई ब्लॉग नहीं गया तो आज नहीं जाएगा। धनिया पत्ती मार्केट से आई है, हरी मिर्च। तो चलिए थोड़ा सा बाहर का व्यू दिखाते हैं तब आप लोग से। अच्छा, सारा काम ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है, बाहर का सारी भी फैली सुंदर हो गई हैं। उन लोग को ठंडी लगती है तो इन लोग का रूम आप लोग को दिखाती हूँ। जो पाड़े महाराज है यहाँ पे होंगे आगे, इन लोग का किस लाइट मार रही है ना, डर लगता है। सारे रूम की लाइट्स ऑन है और मैं यहाँ पे आ गई हूँ। मैं नहीं दिखूंगी नहीं, परछाई दिखा दे रहे हैं और स्टोरेज फुल का नोटिफिकेशन भी आ गया है। तो चलिए फटाफट से आटा गूंथ लेते हैं और रोटी बना लेते हैं, तब उसके बाद आप लोग से मिलते हैं। हाँ, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जय माता दी, भी रात हो गई, बहुत बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद खाना पीने बनाने के बाद। और वहाँ पे भी खोवा चल रहा है, आप देख सकते हैं।
हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट डे मॉर्निंग का वीडियो है, ब्लॉग है, मतलब आप देख सकते हैं मेरी भी फॉयलेस खड़ी है। वो भैंसे सारी कोयल खा रहे हैं, तीनों खा रहे हैं। छोटा वाला बच्चा वहाँ पे है, वहाँ पे मम्मी खड़ी होकर दतून कर रही हैं। और सुबह के बज रहे हैं 7:30 और मैंने वहाँ पे चाय रख दी है, चाय मेरी हो रही है। और रात को जो मिठाई बनी रही वो दिखाती हूँ मैं आपको। बॉक्स खुलेगा नहीं, एक मिनट में खोल के दिखा रही हूँ। तो बॉक्स खुल गया है, देखिए आप देख सकते हैं। बहुत ही अम्मी बनाए, ऐसे ही मैं बनाती हूँ। तो रोटी वोटी से खाने में बहुत मजा आता है, एकदम अच्छा लगता है। अभी चाय में सिर्फ अदरक और पानी खोल रहा है, और इधर है चाय पत्ती। मोहिनी चाय ना मुझे कुछ एकदम सिंपल सी लगती है, और एक इलायची वाली चाय आती है ना, उसमें इलायची उलायची पड़ जाती है, उसकी चाय मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। ये वाली तो एकदम सिंपल सी लगती है। अब इसमें आएगा उबाल एकदम बड़ा वाला, उसे पहले देख लेती हूँ। तो चाय में मैंने चीनी भी डाल दी है, आप इधर देख सकते हैं, इधर चीनी डाल दी है। इसमें दूध और चीनी सब कुछ पड़ गए, आराम से अपनी मर्जी से पकेगा। 10-15 मिनट तो पकाऊंगी, तभी जाके एकदम परफेक्ट वाली चाय बनती है। नहीं तो उसे जल्दी जल्दी में पका दो ना, तो चाय अच्छी नहीं बनती है, बहुत खराब चाय बनती है। इसलिए मैं इसे 10-15 मिनट एकदम लो फ्लेम पे पकाऊंगी। एकदम आप देख सकते हैं फ्लेम एकदम लो नहीं है, थोड़ा सा हाई है। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, आबाद रहिए। बाय बाय।